हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप 2023 नेशनल स्कॉलरशिप, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसका ऑनलाइन आवेदन आप लोग कैसे करेंगे। ये क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए है, सभी के लिए है। साथ में इसकी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये आपकी नेशनल स्कॉलरशिप है, कौन सी, बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप है, यानी कि ये सभी स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, सभी स्टेट के लिए आवेदन आप लोग इसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप 2023 का जानकारी लेते हैं कि क्या क्या इसके डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी और क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगी इसके फॉर्म भरने के लिए, जिससे आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पर आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना होगा, आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होगी, जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसको स्कॉलरशिप मिल दी जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियो के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने आ जाना है गूगल क्रोम पर। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे hindustanknowledge.com। क्या सर्च करेंगे, hindustanknowledge.com आपको सर्च करना है। जैसे हम hindustanknowledge.com सर्च करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको hindustanknowledge.com पर क्लिक करना है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका पेज कुछ इस प्रकार ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट मोड में ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप 2023 के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको और स्कॉलरशिप दिख जाती हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इस पर, यहाँ पर अतुल महेश्वरी का मॉडल पेपर भी आपको मिल जाता है, अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2023 के फॉर्म भी आप भर सकते हैं। तो हम बेगम हजरत महल देखते हैं, चल इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई ऑनलाइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो स्कॉलरशिप है मेरिटरीज गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, किसके लिए है, ओनली गर्ल स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप है। इसमें सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं और कोई भी फॉर्म नहीं भर सकता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दिखाया गया अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस स्कॉलरशिप की घोषणा की गई थी कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भर के अपनी जो वस्तुओं की आवश्यक, यानी कि कापी किताबें वगैरह, इससे खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई ऑनलाइन। अब इसकी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया है स्कॉलरशिप फॉर गर्ल बिलोंगिंग 6 नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटीज दैट मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसी आर एलिजिबल। तो इसमें कौन से स्टूडेंट्स हैं, गर्ल स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें आपकी 6 माइनॉरिटीज दी गई हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीज आर एलिजिबल। इसके बाद दिस स्कॉलरशिप फॉर क्लास 9, 10, 11, 12 स्कॉलरशिप है, किसके लिए, क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए है। हैव 50% मार्क्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन प्रीवियस क्लास क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, यानी कि प्रीवियस में आपने 50% मार्क्स गेन किए हों पिछले एग्ज़ाम में। इसके बाद एन इनकम सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको 50% मार्क्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद यहाँ पर एक कम्युनिटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स हु अटेन 80 ईयर ऑफ एज फॉर अदर स्टूडेंट्स कम्युनिटी सर्टिफिकेट बाई पेरेंट्स, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र और यहाँ पर आय प्रमाण पत्र दोनों ही आपके पास होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप ये स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं तो आपको और कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। इसके बाद स्कॉलरशिप विल नॉट बी गिवेन मोर देन 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए फैमिली, एक फैमिली से 2 स्टूडेंट्स के अलावा तीसरे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए मोड ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन, तो मोड ऑफ अप्लीकेशन ऑनलाइन आपका होगा, कहाँ पर होगा वो भी हम बताएंगे। इसके बाद अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप भी आप देख लेंगे, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट लिखिए 5000 स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास 9, 10 को दी जाएगी और 6000 पर स्टूडेंट क्लास 11th और 12th को दी जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपको दिखाया गया है, तो स्कॉलरशिप सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन क्वालिफाइंग एग्जाम, प्रीवियस ईयर एग्जाम एंड एनुअल फैमिली इनकम ऑफ गार्जियन, यानी कि आपके इसमें 3 बेस पर स्कॉलरशिप तय की जाएगी। पहली परसेंटेज आपने कितने प्राप्त किए हैं प्रीवियस एग्जाम में,
और आपकी एनुअली फैमिली इनकम क्या है और आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मेरिट लिस्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर सिलेक्शन स्टूडेंट बेस्ड ऑन दी मार्क ऑब्टेन क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि प्रीवियस एग्जाम में आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब बात करते हैं इस स्कॉलरशिप का उद्देश्य क्या है। तो मोटिव ऑफ दिस स्कॉलरशिप, तो टू प्रमोट एंड असिस्ट गर्ल स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू नेशनल माइनॉरिटीज हु कैन नॉट कंटिन्यू देयर एजुकेशन ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एजुकेशन अफोर्ड कर सकें, उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे वो भी अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा सकें फाइनेंशियल, या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो इसका आपका जो मोटिव है स्कॉलरशिप का। इसके बाद यहाँ पर है सम बेसिक इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू बैंक अकाउंट। तो सबसे इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप जो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आएगी, अगर आपका बैंक अकाउंट गलत हो जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप भी आपके अकाउंट पे नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्कॉलरशिप के लिए क्या है, स्टूडेंट मस्ट सेलेक्ट देयर बैंक नेम एंड ब्रांच, यानी कि आपको अपना बैंक और ब्रांच नेम जरूर सेलेक्ट करना है। इसके साथ अकाउंट नंबर मस्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर भरना है, बिल्कुल सही सही भरना है। इसके बाद अगर आप लोग बैंक अकाउंट गलत भर देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। इसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर मस्ट चेक डियर केवाईसी स्टेटस फ्रॉम बैंक, यानी कि केवाईसी स्टेटस भी आपको कर लेना है, केवाईसी आपकी होनी चाहिए, बिना केवाईसी के आपके रिक्वायर्ड है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के लिए स्कॉलरशिप के। अगर केवाईसी नहीं होगी तो आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं आ पाएगी, तो इतना ध्यान रखेंगे। बैंक अकाउंट मस्ट बी एक्टिव टिल द स्कॉलरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए जब तक कि स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में नहीं आ जाती है। इसके बाद अगर आप अतुल मेश्रू स्कॉलरशिप में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया रीजन फॉर दी कैंसिलेशन ऑफ दिस स्कॉलरशिप के, रीजन क्या होंगे कैंसिल होने के। तो यहाँ पर सबसे पहला, अगर आपने कोई एकेडमिक सेशन गैप कर दिया, यानी कि 9th में आपने फॉर्म भरा, 10th आपने एक साल आप वेट कर लिया, और उसके बाद 11th यानी कि दोबारा आपने दूसरी साल तीसरी साल 10th में किया, तो आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको एजुकेशन में अपनी गैप नहीं करना है। साथ में स्टूडेंट हु कैन नॉट सबमिट योर फॉर्म विद टाइम लिमिट, यानी कि आपने टाइम से अगर अपना फॉर्म नहीं सबमिट किया फिर भी आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। इफ़ स्टूडेंट फाउंड टू हैव ऑब्टेंड स्कॉलरशिप 5 फाल्स स्टेटमेंट सर्टिफिकेट, यानी कि आप गलत सर्टिफिकेट लगा के आपने स्कॉलरशिप प्राप्त करने की कोशिश की है या पाए गए आप गलत उसमें, तो भी आपको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। तो ये आपके हो जाएंगे रीजन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ दिस स्कॉलरशिप। इसके बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करवाएंगे। अब इससे पहले सबसे पहले यहाँ पर दी कैन आई रिन्यूड बीकम हजरत महल स्कॉलरशिप, तो आप स्कॉलरशिप को रिन्यू नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, आपको हर साल इसे फ्रेश भरना होगा। क्या है, इसको हर साल आपको फ्रेश भरना होगा। तो अप्लाई नाउ पर हम क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर पहुँच जाएंगे, होम पेज पर। आपका कुछ इस प्रकार ये पेज खुल के आएगा फॉर अकेडमिक ईयर 2023-24। यहाँ पर आपको ऊपर स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी जो बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको दिख रही है, बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप, ये अभी आपकी बंद चल रही है। अभी आपकी 2023 के लिए पोर्टल अभी ऑन नहीं हुआ है। जैसे 2023 का पोर्टल ऑन होता है तो हम आपको तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें, जानकारी पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही वीडियो के लिए। जैसे ही अगर आपका पोर्टल खुलता है तो हम आपको वीडियो बना देंगे कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।